मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में बाढ़ की वजह से 2 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है। बाढ़ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी संवेदनशील है। उन्होंने गोरखपुर जनपद के बाढ़ क्षेत्रों का हवाई सर्वे कर बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण किया। सीएम योगी ने चिल्लू पार विधानसभा के अंतर्गत बाढ़ से प्रभावित 10 पीड़ितों को अपने हाथों से राहत सामग्री का वितरण कर उनका हाल जाना। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा सरकार भविष्य में बाढ़ से निपटने के लिए तेजी से काम कर रही है। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी व वरिष्ठ महिला नेत्री अस्मिता चंद, माया शंकर शुक्ला सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज लेके चले जाएंगे। आपका गाँव कौन सा है? खड़े रहिए कैसे लेके जाएंगे? आपका ग्राम पंचायत कैसे लेके जाएंगे? 2 लाख से अधिक की आबादी यानी 2,26,000 से अधिक लोग इस बाढ़ की विभीषिका के कारण प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने पहले ही शासन के निर्देश पर बचाव और राहत के लिए उपाय किए थे, जैसे 405 नाव और 50 स्टीमर अब तक तो यहाँ पर लगाई हैं। अभी हम लोग स्टीमर की संख्या बढ़ा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट, इन सभी को बचाव और राहत कार्य के लिए लगाया गया है। प्रशासन को एक स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है, हर पीड़ित परिवार तक शासन की राहत सामग्री प्राप्त होनी चाहिए। हर बाढ़ पीड़ित को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिलना चाहिए। खाद्यान्न की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है। बैग आपके सामने हैं, आप देख रहे होंगे। एक खाद्यान्न पहले इस रूप में नहीं मिल पाता था और इस बार एक व्यवस्था बनाई गई है, हर पीड़ित व्यक्ति को एक बार में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, चना, लाई, दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मसाले, ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही बरसाती भी उपलब्ध कराएं। पानी पीने की व्यवस्था भी उनके लिए हो, जहां पे पानी घर घर में संभव न हो पाए तो क्लोरीन की टैबलेट देकर के लोगों को जागरूक किया जाए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।